जेनरेशन गैप भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज परिवार में अक्सर समस्याओं का कारण जेनरेशन गैप भी होता है, क्योंकि पिता माता और बच्चे में कम से कम 25 साल का अंतर होता है, लगभग एवरेज 25 साल का अंतर होता है। तो होता क्या है कि जो माता पिता तो 25 साल पहले की स्थिति और परिस्थिति के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, उसके अनुसार जो है सो वह प्लान बनाते हैं, उसके अनुसार वह सजेशन देते हैं। लेकिन बच्चा आज के दौर का है, आज का बच्चा है, आज का जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है। चूँकि परिवर्तन संसार का नियम है, चूँकि किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होना ही होना है। तो जो माता पिता हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो वयस्क हैं, जो अपने आप को समझदार समझते हैं, तो उनकी समझदारी उसी में है जो कि आज के सिचुएशन के अनुसार, आज की स्थिति परिस्थिति के अनुसार बच्चे के मनोभाव को समझ कर करके उसके अकॉर्डिंग मिल बैठ कर करके किसी भी डिसीजन को एक रास्ता देना चाहिए, एक राह देना चाहिए। नहीं तो क्या करेगा बच्चा, आपकी भावनाओं को ओवरलुक कर देगा, आपकी भावनाओं का कद्र नहीं करेगा, जिसका आपको ठेस पहुँचेगी, कष्ट पहुँचेगी। तो कहीं ना कहीं उसमें माता पिता का भी दोष होता है। चूँकि मैंने पहले ही कहा कि माता पिता और बच्चे में कम से कम लगभग 20 से 25 साल का अंतर तो होना ही होना है, होता ही होता है। तो 25 साल पहले की सिचुएशन क्या थी और अभी का सिचुएशन क्या थी, दोनों में सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम तीन बातों पर चर्चा किए हैं, आप देख सकते हैं जनरेशन गैप पर। पहला है कि दोस्ताना व्यवहार। चूँकि होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो खुलता है अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपनी भावनाओं को जो व्यक्त करता है अपने दोस्त से, तो आज का जो दौर है, आज का जो माहौल है, उसमें आपको यानी माता पिता को बच्चे के साथ माता पिता जैसा व्यवहार नहीं, डिक्टेटरशिप जैसा व्यवहार नहीं, एक दोस्त जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। तभी वो बच्चा अपनी समस्याओं को आपके सामने रखेगा, तभी वो अपनी भाव को अपने सामने में रखेगा, मनोभाव को रखेगा, और तभी आप एक सही डिसीजन, और यह तभी आप रख सकते हैं जब आपको, मैंने दो नंबर में लिखा है कि विचारों में खुलापन, आपको आज के सिचुएशन के अनुसार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। विचारों में खुलापन, यानी कि नैरो माइंडेड जो 25 साल पहले हो रहा था वही सही था, आज का सब गलत है। कैसे लोग कपड़ा पहन रहे हैं, कैसा लोग गाना सुन रहा है, कैसे लोग इस तरह से, तो ये सब चीज़ पहले का जो समय था और अब का समय था थोड़ा सा फास्ट लाइफ है, तो फास्ट है तो आपको भी थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट, और बच्चे को भी बताना पड़ेगा कि ज़्यादा फास्ट चलने से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और आप भी बहुत स्लो नहीं चलेंगे, मतलब बैलेंस बनाने का काम करना पड़ेगा। तभी बच्चे आपको सम्मान करेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और आप एक सही, एक संतुलित डिसीजन आप ले पाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि बच्चों के विचारों का भी सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, बच्चा के विचारों का सम्मान नहीं करेंगे, सिर्फ एक तरफा डिसीजन देंगे तो निश्चित रूप से वो क्या कर देगा, वह वायलेंट हो जाएगा, वह बिल्कुल आपकी बातों को नहीं मानेगा। और यहाँ पर जो है सो एक जो बहुत बड़ी समस्या, जैसा कि मैंने बताया जनरेशन गैप की, वो अपना डिसीजन लेगा, आप अपना डिसीजन लेंगे, घर उथल पुथल हो जाएगा और बच्चे का भी भविष्य नरकमय हो जाएगा, आपको भी बुढ़ापा बोझिल लगेगा। ऐसी स्थिति में ही बहुत सारे माता पिता आत्महत्या तक कर लेते हैं, चूँकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अपने पेट को काट कर करके, अपने तन पर सही ढंग से कपड़ा नहीं पहन कर करके, अपनी खुशियों को कर्टेल कर करके अपनी सारी कमाई जमा पूंजी अपने बच्चों में लगा दी, और आज बच्चा जो है सो आपके अनुसार नहीं चल रहा है और आपको तो कष्ट होता है। क्योंकि यहाँ गलती सिर्फ उसकी नहीं है, गलती आपकी भी है, क्योंकि आप आज के अनुसार, आज के समय के अनुसार आप डिसीजन नहीं दे पा रहे हो, जो कि उसको असहज लग रहा है, अकुलाहट लग रहा है। आप हमेशा समझ रहे हो कि मैं काफ़ी सीनियर हूँ, मैं पिता हूँ, तो अब वो ज़माना नहीं है। आपको पिता, आपको बच्चे के साथ एक दोस्त के रूप में खुल करके जीना होगा और उसके साथ कदम से कदम मिला कर करके चलना होगा। तब फिर देखिए जिंदगी का क्या आनंद आता है, वो बच्चा भी आपसे खुलेगा और मस्ती से वह भी आगे बढ़ेगा और आपकी ज़िंदगी भी बोझिल नहीं लगेगी। इसलिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन की, मतलब ये जो जनरेशन का जो गैप है, ये 25 साल का जो गैप है, उसको दूर करने का, और लगना चाहिए कि बस आप भी अपने बच्चे के ही हम उम्र हैं और उसी के साथ, उसी के डिसीजन के अनुसार जो है सो आप चल रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर भी ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ पर ब्रेकर की ज़रूरत है, वहाँ पर आप सिर्फ ब्रेकर और दीजिए, ताकि एक्सीडेंट ना हो सके और ज़िंदगी आगे की ओर बढ़ता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बातों को समाप्त करता हूँ। इसी तरह से नया नया वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच जो है सो इस बात को रखिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।